अगली खबर जीएसटी की। जीएसटी पर दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हाल के दिनों में जीएसटी के कुछ प्रावधानों का बहुत तेज विरोध हुआ था और इसके बाद आज माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी में कुछ बदलाव कर सकती है। छोटे कारोबारियों को सरकार राहत भी दे सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए आसान दर तय किए जा सकते हैं, वहीं रिटर्न फाइल करने में राहत दी जा सकती है। निर्यातकों को भी राहत देने की संभावना है। कपड़ा उद्योग में जीएसटी दर कम किए जा सकते हैं। और आसान शब्दों में आपका समझना बेहद जरूरी है कि राहत क्या मिल सकती है और परेशानी अब तक क्या थी। हर महीने रिटर्न फाइल करने में परेशानी होती थी। 20 लाख तक के वाले कारोबारियों को इसमें राहत मिल सकती है। 3 महीने रिटर्न फाइल करने की छूट रहेगी, यानी आप 3 महीने में रिटर्न फाइल कीजिए बनिस्बत इसके कि हर महीने आपको रिटर्न फाइल करना पड़े। जो अगली मुख्य परेशानी थी, बड़ी परेशानी थी, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, रिटर्न फाइल करने में इनवॉइस मैचिंग में दिक्कत होती थी। राहत जो संभव है, 20 लाख तक के कारोबारियों को सरल रिटर्न फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। जो अगली परेशानी हो रही थी, खासतौर से छोटे व्यापारियों को, कपड़ा कारोबारियों को, जीएसटी कम करने की मांग कर रहे थे कपड़ा कारोबारी। राहत जो संभावित है, जो आज बैठक चल रही है, कपड़ा उद्योग के लिए दर कम हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। संजय शर्मा, मुझे ये बताइए कि जीएसटी में किन किन बड़े मसलों पर राहत के संकेत हैं इस बैठक में? देखिए राशिद, बड़ा बदलाव की तैयारी है जीएसटी में। आज जिस तरह से जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वित्त मंत्री अरुण जेटली को बुलाकर के अपनी चिंताएं साफ साफ बता दी थी कि किस तरीके से छोटे व्यापारियों को ध्यान रखा जाना चाहिए जीएसटी में, उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। छोटे व्यापारियों को राहत कब मिलेगी संजय? जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज को स्थगित कर दिया जाए, क्या इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए राशि, जहां तक एक महीने में 2 बार 3 बार रिटर्न फाइल करने की बात है, तो उसमें टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा। 3 महीने 4 महीने तक टाइम पीरियड किया जाएगा। 20 लाख रुपए सालाना तक की जो लिमिट है, उसको बढ़ा करके अब 1 करोड़ 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक की लिमिट बांधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ कपड़ा व्यापारी जो सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा, गुजरात के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अरुण जेटली अब ये फैसला करने जा रहे हैं कि कपड़े पर जीएसटी की दरें कम की जाए। साड़ी से लेकर के जितने भी कपड़े, अलग अलग तरह के जो कपड़ों पर जो जीएसटी लग रहा है, उसकी दरें कम की जाए, यानी कि 18% से उसको कम करके 10%, जहां जिन कपड़ों पर 10% लग रहा है उसको कम करके 5% की जाए। तो कहीं ना कहीं कपड़ा व्यापारी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत होगी। राशि संजय, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। छोटे